हाई स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रोसीड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, और ये अभी लास्ट फेज में चल गए हम चैप्टर के। पिछली क्लास में आप लोग ऑक्टेट टू वैलेंसी को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, और आप लोगों ने एक चीज़ को जाना था, परखा था, वो था कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या था? कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन क्यों करते हैं, व्हाई डज द रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हाई डू द एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो हमें पता लगा था एज पर द ऑक्टेट रूल की ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए या स्टेबल होने के लिए हर एटम ट्राई करता है अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने का। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे कैसे कैरी कर सकता है? इधर बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, डोनेट कर दे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, शेयर कर ले। एक रफ साइड आप ऐसे लगा सकते हो भाई, जिसके पास 1 है लास्ट शेल में तो वो बड़ी इजीली डोनेट कर सकता है, और जिसके पास 7 है उसको बड़ी इजीली एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यानी कि वो एक एक्सेप्ट करने की स्टेट में है, एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में है। और एक छोटा सा एक रफ आइडिया ऐसे भी लगा सकते हैं कि जिसकी लास्ट शेल में 4 होंगे तो उसको डोनेट करना या एक्सेप्ट करना मे बी मोर डिफिकल्ट, तो वो क्या करने को जाएगा, शेयरिंग करने को जाएगा। किसमें? अभी बताते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ लेंगे। डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टाइप जब होगा तो ऐसी वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी, या ऐसे एटम्स जो डोनेट और एक्सेप्ट करने के सक्षम हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट। और जो शेयर करने वाले हैं उनको बोलते हैं कोवैलेंट, या ऐसी वैलेंसी को हम लोग बोलेंगे कोवैलेंसी। अब एलएच वाले क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम लोग, और कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन एटम्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी को डिफाइन कर सकते हो। जैसे सोडियम है अपने पास, तो सोडियम की लास्ट शेल में कितने हैं? एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। ओके होगी बात। यदि इसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिया, जिसकी लास्ट शेल में कितने हैं? 7। इसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। इसने क्या कर दिया? और क्लोरीन ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब इसने भी क्या पाया? इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इसके भी पास क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। लेकिन इसके पास है Na+1 और इसके पास है Cl-1, यानी कि इसके पास +1 की है और इसके पास -1 की है, लेकिन दोनों ने करा क्या है? करी इलेक्ट्रोवैलेंसी ही हासिल है, जो बॉन्डिंग हुई है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हुई है। अब एक इसी के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। मैग्नीशियम 2 डोनेट कर सकता है, एल्युमिनियम की बात करें तो जब वो 3 डोनेट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 की हो गई डोनेटिंग में। एल्युमिनियम की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, वो क्या है? 1। डिफरेंस ध्यान रखिए, सोडियम की भी है 1 और क्लोरीन की भी है 1, लेकिन इसकी है पॉजिटिव और इसकी है नेगेटिव। देन यू हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखिए कॉन्फ़िगरेशन 2-6, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हुई? 2। वैलेंसी क्या हुई? 2। लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई? -2। कितनी हुई? -2। नाइट्रोजन 2-5, इसको क्या 3 मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हुई? 3। और कैसा? माइनस का। ओके होगी बात। जैसे एल्युमिनियम का भी 3 है और नाइट्रोजन का भी 3 है, लेकिन एल्युमिनियम का प्लस का 3 है और नाइट्रोजन का माइनस का 3 है। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं कोवेलेंसी के। किसके ले लेते हैं? कोवेलेंसी के। कोवेलेंसी के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे कार्बन का। किसका लेंगे? कार्बन का। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 6 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2-4, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 4। बात समझ में आ गई। अब ये क्या करता है कि He will look for the elements, other elements or other atoms, कि भाई जो इसकी आके हेल्प कर सके। इसकी हेल्प के लिए हमने एक और बंदा पकड़ लिया जिसका नाम है हाइड्रोजन। किसका नाम है? हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 डोनेट करेगा ये किसी के साथ? बिल्कुल भी नहीं, डोनेट तो नहीं करेगा किसी के साथ। तो ये शेयर करने के लिए रेडी है, क्योंकि इसको एक मिल जाए यदि कहीं से तो शेयर करने को रेडी होगा। तो कार्बन आता है हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, तो कार्बन कहता है, हाइड्रोजन कहता है तेरा तो काम चल गया, क्योंकि मैंने तेरे को एक शेयर करने के लिए दे दिया, लेकिन मेरे तो 5 बने ना तेरे से एक शेयर करके। भाई 4 मेरे पास थे, एक तेरे से शेयर कर लिया, मेरे पास कितने बने? 5। हाइड्रोजन का तो काम हो गया, एक पहले से था और एक इससे शेयर कर लिया, इसका तो हो गया, के में 2 आ गए। तो ये एस बोलता है हाइड्रोजन, मैं अपने 3 भाई और देता हूं तुझे, तो 3 हाइड्रोजन और आके ऐसे लग जाएंगे। अब देखो इस हाइड्रोजन का भी काम पूरा 1+1, इस हाइड्रोजन का भी पूरा 1+1, इस हाइड्रोजन का भी पूरा 1+1, इस हाइड्रोजन का पूरा 1+1, और कार्बन के देखो 1, 2, 3, 4, और एक एक इनसे शेयर करा, कितने हो गए? 8। कार्बन का भी काम पूरा हो गया, ना किसी ने डोनेट करा ना किसी ने एक्सेप्ट करा। ये क्या हो गई? कोवेलेंसी। ये क्या हो गई? कोवेलेंसी। समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कार्बन के पास लास्ट शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन के पास 1 था, हाइड्रोजन के पास 1 था, हाइड्रोजन के पास 1 था, हाइड्रोजन के पास 1 था,
घूमते घूमते ये इसके में भी चक्कर लगा के आ जाता है और ये इसके में भी चक्कर लगा के आ जाता है, ये इसके में भी चक्कर लगा के आ जाता है और ये इसके में भी चक्कर लगा के आ जाता है, ये इसके में भी चक्कर लगा आता है, ये इसके में भी चक्कर लगा आता है और ये इसके में भी, इस तरीके से घूमते रहते हैं, ये इस तरीके से घूमते रहते हैं, इस तरीके से घूमते रहते हैं, एट फॉर्मेशन करते रहते हैं ऐसे, है ना, दोनों का काम बन रहा है, इसको बोलते हैं क्या, कोवेलेंसी। अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की, क्योंकि वैलेंसी हम लोगों ने खत्म कर लिया है सारा, बात करेंगे प्रॉब्लम्स कैसी पूछी जाएंगी वैलेंसी पर, तो कुछ प्रॉब्लम के एग्जांपल हम लोग आपकी बुक से अभी लेंगे और उनके साथ आंसर्स को खोजेंगे, ठीक है, तो आप लोग भी हेल्प करेंगे साथ साथ में, एंड गाइस आप लोग भी एक्टिव रहिएगा। जैसे अपने पास एक प्रॉब्लम आती है, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12, यदि कोई एटॉमिक नंबर किसी का 12 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, 2, कैसे कॉन्फ़िगरेशन लगाइए, 2 8 2, यही तो बनेगी KLM, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2, वैलेंसी कितनी, 2, और कैसी, प्लस की, डोनेट कर सकता है, 6 मिलेंगे थोड़ी इसको, ओके हो गई बात, और कौन होता है 12 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, मैग्नीशियम होता है, कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, ना मांगो अल्लाह से, मांगो MG, ओके एक और प्रॉब्लम देख लीजिए, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 15, कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15, कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 285, वैलेंसी कितनी होगी, 3, कैसी, माइनस की, इलेक्ट्रोवेलेंट भी हो सकता है, शेयर कर सकता है किसी के साथ, शेयरिंग भी देखी जा सकती है, और ये एलिमेंट कौन सा हो गया अपना, फॉस्फोरस हो गया, कौन सा हो गया, फॉस्फोरस हो गया। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे इफ जेड इज इक्वल टू 3, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, जेड 3 होने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है, वैलेंसी क्या हो गई ऐसे की, 1 हो गई, क्या हो गई, 1 हो गई। अब एक और क्वेश्चन देखिए जरा, आपको बताने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोरीन आयन Cl- r, आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं कितने, Cl- के, दिया आपको टाइम, 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, Cl- का मतलब क्या है, इसने एक एक्सेप्ट किया है, एक लिया है इसने, 18 हो गए, 288 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, इसे बोलो Na+ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो Na+ के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल सोडियम का 281 होता है, प्लस का मतलब क्या है, एक इसने डोनेट कर दिया है, दे दिया 28, आया समझ में, और दूं एग्जांपल, O2-, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एट, ऑक्सीजन के 26 थे, इसने दो लिए हैं, भूल क्यों रहे, माइनस यानी लेना, प्लस यानी देना, भाई जो देता है वो बड़ा बन जाता है और जो लेता है वो छोटा बन जाता है, छोटा बन जाता है माइनस बन जाता है, देता है बड़ा बन जाता है यानी प्लस बन जाता है, तो इसने दो लिए हैं, तो अब दो लिए हैं तो 28, ओके होगी बात।